अजाक्स संगठन के अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम आपको बता दें कि विगत वर्षों में भर्ती प्रक्रिया न होने से बेरोजगारी चरम पर बढ़ती देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मांग पदोन्नति में आरक्षण की तर्ज पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में रविवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के बी मंसारे ने बताया कि पदोन्नति के आरक्षण यथावत लागू हो, बैंक लॉक पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। पुरानी पेंशन को बंद कर दी गई है, सरकार द्वारा उसे शीघ्र ही लागू की जाए। अगर इसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई तो आगामी दिनों में भोपाल में उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे द्वारा खरगोन जिले में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय माननीय कंसुटे साहब के नेतृत्व में पूरे 52 जिलों में रैली प्रदर्शन के माध्यम से अजाक्स की 3 मांगे महत्वपूर्ण थी। बैकलॉग पदों की भर्ती, आउटसोर्सिंग बंद हो या उसमें आरक्षण लागू हो और पदोन्नति प्रदान की जाए, इस विषय को लेकर के पूरे 52 जिलों में जो रैली के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नॉलेज में लाने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे द्वारा जिला पंचायत के वहाँ से रैली निकाली गई, उस रैली के माध्यम से आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारी 3 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, युवा 3 महत्वपूर्ण मांगे, उसमें चौथी मांग भी हमें हमारे द्वारा की गई है, पदोन्नति में आरक्षण यथावत लागू रहे, बेकलाक पदों की भर्ती अतिशीघ्र की जाए तो ताकि हमारे प्रदेश में लाखों युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। पिछले 10 सालों से बेकलाक भर्ती नहीं की जा रही है और युवा बेरोजगार सड़क पर भटक रहा है, बेरोजगार भटक रहा है। और चौथी मांग हमारी है पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई सरकार के द्वारा, उस पुरानी पेंशन को यथावत लागू की जाए। इन 4 मांगों को लेकर के हमारे खरगोन जिला के जिलाध्यक्ष भाई बलिराम निगोले जी एवं हमारे पूरे अजाक्स की पूरी टीम के द्वारा रैली के रूप में यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अगर इसके बाद भी अजाक्स में संयुक्त सचिव इंदौर संभाग के बी मंसारे, नहीं समस्या हल नहीं होता आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? हाँ, समस्या यदि अब भी हल नहीं होती है तो हम माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हमारे अजाक्स के जो हैं उनके नेतृत्व में अगला हमारा जो कदम होगा पूरे भोपाल में धरना प्रदर्शन रैली और तमाम प्रकार के जैसे प्रांत से निर्देश मिलेंगे वो संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से हम भोपाल में करने जाएंगे। हमने 2 जून 2016 में पूरे प्रदेशव्यापी धरना आंदोलन किया था जहाँ पर हम 2 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश से इकट्ठे हुए थे और शासन के संज्ञान में लाया गया था हमारी मांगों को लेकर के, और उसकी पुनरावृत्ति करने की हमारी पूरी तैयारी है और आज हम उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवी मंसारे, संभागीय संयुक्त सचिव अजाक्स इंदौर संभाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।